सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर पब्लिक स्कूल क्लास 7 कंप्यूटर कर रहे थे। बच्चों, कंप्यूटर की बुक का नेम क्या था आपका? आईटी प्लेनेट या फिर कोड बॉट। इसका चैप्टर नंबर 5 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं सारी वीडियोज एक साथ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 6, जो कि है पेज नंबर 86 पर। चैप्टर नंबर 6 का नेम क्या है बच्चों? इंटरनेट एथिक्स एंड सेफगार्ड्स। बच्चों, क्या है कि इंटरनेट आज शायद ही कोई पर्सन यूज ना करता हो, हर किसी के पास मोबाइल है, और अगर मोबाइल है तो वो इंटरनेट जरूर ही यूज करता है। बच्चों, इंटरनेट के काफी सारे फायदे होते हैं, जैसे आप मेरी वीडियो भी इंटरनेट की हेल्प से ही देख पा रहे हैं। इंटरनेट एक कनेक्शन बना करके रखा हुआ है हमारे पूरे वर्ल्ड में, जितने भी पर्सन है एक दूसरे से कनेक्ट है, किसकी वजह से? इंटरनेट से। बच्चों, इंटरनेट के बहुत सारे फायदे तो हैं, साथ ही साथ इसके नुकसान भी हैं। काफी सारे लोग क्या करते हैं, इस इंटरनेट का यूज करते हैं और उससे हमारी एक पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। उस पर्सनल इंफॉर्मेशन से कई स्कैम होते हैं, जैसे अगर हम अपने वो पर्सनल इंफॉर्मेशन में अपना बैंक अकाउंट नंबर या फिर कुछ अपनी पर्सनल डिटेल दे दें, तो कई बार ऐसे स्कैम होते हैं जिसकी वजह से हमारे अकाउंट से पैसे चले जाते हैं, या फिर दूसरे अनऑथराइज्ड, हमें पता ही नहीं रहता है कि वो हमारे अकाउंट से पैसे कैसे डिडक्ट हो गए, और ऐसे ही काफी सारे स्कैम्स होते हैं। तो इसी बात को समझने के लिए ये हमारा चैप्टर है, इसमें हम समझेंगे हैकर्स क्या होते हैं, ये इससे रिलेटेड। बच्चों, हम सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करने से पहले चैप्टर को एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसकी एक्सरसाइज अगर आपको पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। सबसे पहले हम एक्सरसाइज में ए पार्ट करेंगे, जो कि टिक द करेक्ट आंसर, जो भी आंसर सही होगा उसको टिक करना है। फर्स्ट वाला है, अ सॉफ्टवेयर दैट इंस्टॉल ऑन आवर कंप्यूटर विदाउट आवर कंसेंट इज। वो सॉफ्टवेयर जो कि हमारे कंप्यूटर में अपने ही आप इंस्टॉल हो जाता है और हमें पता ही नहीं रहता है, हमारी परमिशन के बिना वो इंस्टॉल हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बच्चों हम स्पाईवेयर कहते हैं, है ना, SPYWERE। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, बी वाला है इसका करेक्ट आंसर, SPYWERE। क्लियर? सो दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। आते हैं हम सेकंड वाले पे। सेकंड में बच्चों लिखा हुआ है कि डैश आर इरिटेटिंग व्हाइल वेब ब्राउजिंग एंड कैन आल्सो इंस्टॉल वायरसेस ऑन आवर कंप्यूटर। ये जो रहता है वो इरिटेटिंग होता है ना, जब वेब ब्राउजिंग हम कर रहे रहते हैं और ये हमारे कंप्यूटर में वायरस भी इंस्टॉल कर देता है। तो सेकंड का जो बच्चों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पॉपअप एड्स। कौन से पॉपअप एड्स? POPUPADS। ओके, सो बी इसका आंसर करेक्ट है, है ना। इसके बाद आ जाते हैं हम थर्ड वाले पे। बच्चों, थर्ड में लिखा है डैश इज अ स्मॉल टेक्स्ट मैसेज दैट अ ब्राउजर सेव्स टू कीप ट्रैक ऑफ वेबसाइट। ये एक स्मॉल टेक्स्ट मैसेज होता है जिसकी वजह से ब्राउजर सेव कर लेता है टू कीप ट्रैक ऑफ वेबसाइट्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा हमारा क्या? जंक। क्या हो जाएगा? जंक इसका आंसर है बी वाला। क्लियर? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ JUNK। क्लियर? इसके बाद आ जाते हैं बच्चों फोर्थ वाले पे। फोर्थ में लिखा है डैश इज हरासमेंट दैट टेक्स प्लेस यूजिंग टेक्नोलॉजी। ये हरासमेंट टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए की जाती है। तो फोर्थ का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों साइबर बुलिंग। क्या हो जाएगा? साइबर बुलिंग। तो ए इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ वाले का। फिफ्थ पे आ जाते हैं। तो फिफ्थ में बच्चे लिखा हुआ है, जस्ट वेट अ मिनट, हाँ, फिफ्थ में लिखा हुआ है डैश इज द आर्ट ऑफ कन्विंसिंग पीपल टू रिवील कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। ये एक आर्ट है जिसकी वजह से लोग क्या कर देते हैं, अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी किसी अननोन पर्सन को दे देते हैं। तो ये कौन सा आर्ट है वो हमें बताना है। तो फिफ्थ का जो आंसर है बच्चों वो है सोशल इंजीनियरिंग, है ना। सोशल इंजीनियरिंग की हेल्प से मीन्स बेसिकली ये ऐसे पर्सन होते हैं जो कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर या फिर किस बैंक में हमारा अकाउंट है, इस तरह से। क्लियर? इसके बाद आ जाते हैं बच्चों बी वाले पे। बी में लिखा हुआ है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। ट्रू फॉल्स है। फर्स्ट देखें तो इंटरनेट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क दैट लिंक्स मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ पीपल। तो ऑब्वियसली ये तो ट्रू है क्योंकि ये इसमें सारे पीपल्स हमारे कनेक्टेड हैं और ये वही बोल रहा है, तो ये टी हो जाएगा ट्रू। सेकंड पे आ जाओ, वी शुड नेवर क्लिक ऑन लिंक इन ईमेल मैसेज
इवन इफ वी नो टू द नो द सेंडर, कह रहे हैं कि हमें कभी भी क्लिक नहीं करना चाहिए लिंक जो आती है हमारे लिए ईमेल मैसेज में, और तब भी हमें क्लिक नहीं करना चाहिए जब हम सेंडर को जानते हो कि किसने हमें ईमेल भेजा है। आप किसी ने अगर मेरे को लिंक भेजी होगी जो कि मेरा फ्रेंड या फिर जो भी मेरा पहचान वाला होगा, तो ऑब्वियसली मैं करूंगा ना उसको टिक मींस क्लिक। तो यहाँ तो ये कह रहे हैं कि उसको भी नहीं करो, तो ये तो फॉल्स है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। थर्ड पे आ जाओ, vulnerabilities are flaws in computer software that weakens the security of computer. तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों थर्ड वाले का वो हो जाएगा हमारा क्या, ट्रू। थर्ड वाले का क्या हो जाएगा, ट्रू। फोर्थ पे आ जाते हैं, फोर्थ में लिखा हुआ है स्पैम्स इन्वॉल्व्स सेंडिंग इंपॉर्टेंट मैसेज टू अ लार्ज नंबर ऑफ रेसिपिएंट्स। कह रहे हैं स्पैम मतलब होता है कि एक इंपॉर्टेंट मैसेज सेंड करना बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे पर्संस को, तो ये क्या है हमारा, ट्रू हो जाएगा। फोर्थ का क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, ट्रू। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, ट्रू। ये मैंने क्या लिख दिया, ट्रू। इसके बाद आ जाते हैं बच्चों हम फिफ्थ वाले पे। फिफ्थ वाले में लिखा है वी शुड क्लिक ऑन यस व्हेन आवर वेब ब्राउजर आस्क्स टू रिमेम्बर द पासवर्ड। कह रहे हैं कि अगर हमारा ब्राउजर रिमेम्बर पासवर्ड के लिए बोलता है तो हमें यस कर देना चाहिए, तो यस नहीं करना चाहिए हमें बच्चों, ये गलत बोल रहे हैं। क्योंकि अगर हम यस कर देंगे और अगर हमारा मोबाइल किसी और के पास चला जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली हमारा पासवर्ड सेव रहेगा उस मोबाइल में, तो वो हमारा अकाउंट खोल सकता है, तो हमें यस नहीं करना चाहिए क्लिक। क्लियर। सी वाले पार्ट पे आ जाते हैं हम, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट में लिखा हुआ है डैश आर प्रोग्राम्स विच आर क्रिएटेड डेलीबरेटली टू डैमेज डेटा। ये प्रोग्राम्स क्रिएट किए जाते हैं जो कि हमारे डेटा को डैमेज कर सके, तो ये कौन है, वो है हमारा वायरस। कौन है, वायरस, वी आई आर यू एस। इसके बाद आ जाते हैं सेकंड पे, डैश रिकॉर्ड्स आर की स्ट्रोक्स टू एंटर द डाटा इन द कंप्यूटर इन अ हिडन फाइल। तो सेकंड का जो आ जाएगा की लॉगर, क्या हो जाएगा बच्चों, के ई वाई एल ओ डबल जी ई आर, की लॉगर। थर्ड पे आ जाते हैं, सेकंड की अभी हमने, डैश रिफर्स टू समवन हु एसेस अ कंप्यूटर और नेटवर्क इलीगली। ये जो रहता है ना, ये वो कौन होते हैं कि हमारे कंप्यूटर या नेटवर्क को इलीगली क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं, तो ये हैकर होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर में घुस करके और हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को टेक आउट कर सकते हैं, तो हैकर, एच ए सी के ई आर, हैकर। क्लियर। इसके बाद आ जाते हैं बच्चों हम फोर्थ वाले पे, एवरी टाइम वी सर्फ द इंटरनेट वी लीव अ ट्रायल बिहाइंड नोन एज। क्लियर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों फोर्थ वाले का, डिजिटल फुटप्रिंट, डी आई जी आई टी ए एल एफ डबल ओ टी पी आर आई एन टी, डिजिटल फुटप्रिंट। फिफ्थ पे आ जाओ बच्चों, लास्ट वाला है ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का, पेरेंट्स शुड एडवाइज चिल्ड्रंस टू क्रिएट डैश पासवर्ड फॉर एवरी अकाउंट। कह रहे हैं कि पेरेंट्स को एडवाइस करना चाहिए बच्चों के लिए कि वो कैसा पासवर्ड क्रिएट करें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग एस टी आर ओ एन जी, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फॉर एवरी अकाउंट। तो पासवर्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 5 डाल दी कोई भी अपना खोल दे उसको। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, सबसे पहले स्पैम और फिशिंग को हमें डिफ्रेंशिएट करना है, अंतर बताना है। तो इसके आंसर लिखे हुए हैं, स्पैम इन्वॉल्व सेंडिंग अनवॉन्टेड मैसेज बाय स्पैमर टू अ लार्ज नंबर ऑफ रेसिपिएंट। तो कह रहे हैं स्पैम जो रहता है कि इसमें हम अनवॉन्टेड मैसेज भेजते हैं बहुत सारे लोगों को, है ना, तो वो स्पैमर होता है या फिर स्पैम उसी को कहते हैं। फिशिंग क्या होता है, फिशिंग इज अ स्कैम इन विच वी रिसीव एन ऑफिशियल ईमेल मैसेज दैट अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन आवर पर्सनल इंफॉर्मेशन। इसके आगे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये आवर पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो बच्चों स्कैम जो रहता है, मींस फिशिंग जो रहता है, वो भी एक तरीके का स्कैम है जिसमें क्या होता है, एक ईमेल आता है हमारा जिसकी वजह से वो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करवाना चाहते हैं, तो दोनों एक तरह से सेम ही है। क्लियर। सेकेंड पे आ जाते हैं हम, जो कि हमें पता है डिफरेंस हैकर और क्रैकर। तो हैकर जो होते हैं, हैकर रिफर्स टू अ समवन हु एसेस अ कंप्यूटर इलीगली, दिस कैन हैपन आइदर फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव रीजन। तो हैकर क्या रहते हैं कि वो हमारा किसी का भी कंप्यूटर इलीगली ऑपरेट कर सकते हैं, और हैकर जो रहते हैं वो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, ठीक है। तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव वे में हैकर्स को ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मुझे लगता है कि बुरे ही होते हैं।
लेकिन अच्छे कामों के लिए भी इनका यूज किया जाता है। क्रैकर, अब क्रैकर इज समवन हु एक्सेस अ कंप्यूटर इलीगली बट हैज इंटेंट ऑफ डिस्ट्रॉइंग डेटा स्टीलिंग इंफॉर्मेशन। अब जो क्रैकर होते हैं वो हमेशा बुरा ही काम करते हैं, ये कभी भी अच्छे नहीं होते। इनका क्या काम होता है कि कंप्यूटर इलीगली ऑपरेट करना, और इलीगली ऑपरेट करने के बाद उसका जो भी डाटा है उसको डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना, डिलीट कर देना, और उससे जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो स्टील कर लेना, मतलब चुरा लेना उनकी इंफॉर्मेशन। तो ये हुआ डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। ई पे आ जाओ, ई में है आंसर इन वन टू सेंटेंसेस। तो एक दो सेंटेंसेस में हम इनके आंसर देने हैं। सबसे पहले देखें तो साइबर बुलिंग है। तो साइबर बुलिंग क्या होता है? साइबर बुलिंग इज अ हरासमेंट दैट टेक्स प्लेस यूजिंग टेक्नोलॉजी विच इंक्लूड सेंडिंग थ्रेटनिंग मैसेज, पोस्टिंग अलर्ट altered pictures of someone without his her permission। तो साइबर बुलिंग जो रहती है ना बच्चों, वो टेक्नोलॉजी को यूज करके हरास करना पीपल को करते हैं। बोलो, टेक्नोलॉजी को यूज करके हरास करते हैं पीपल्स को। किस तरह से हरास करते हैं कि बेकार से मैसेज भेज करके, है ना, कुछ भी बेकार से फोटोज भेज करके, या फिर उनकी पिक्चर्स लेकर के उनको ब्लैकमेल टाइप का करते हैं टेक्नोलॉजी को यूज करके। तो वो साइबर बुलिंग कहलाती है। सोशल इंजीनियरिंग, सेकंड, सोशल इंजीनियरिंग इज अ टर्म यूज फॉर गेनिंग अनऑथराइज्ड एसेस और ऑब्टेनिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ ट्रस्टिंग ह्यूमन नेचर ऑफ सम विक्टिम्स। तो सोशल इंजीनियरिंग में होता यह है कि वो लोग क्या करते हैं, पहले हमारा विश्वास जीतते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, अनऑथराइज्ड तरीके से हमारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं, है ना। तो ये सोशल इंजीनियरिंग होती है, ये भी एक तरीके से स्कैम ही होता है। मींस वो भी हमारी, मतलब हमें पता ही नहीं रहता और वो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। दिस इज सोशल इंजीनियरिंग। आ जाते हैं बच्चों एफ पार्ट पे, जो कि आंसर ब्रीफली, तो हमें बड़े से आंसर देना है इसमें। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर फ्रॉम हैकिंग, हम अपने कंप्यूटर को हैकिंग से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो वी शुड मेक अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड चेंज इट फ्रीक्वेंटली। हमें पहली बात तो अच्छा बढ़िया अच्छे से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना चाहिए और उसको चेंज भी करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। इट इज स्ट्रॉन्गली एडवाइज दैट वी यूज डिफरेंट पासवर्ड फॉर ऑल डिफरेंट अकाउंट। अलग अगर मेरे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट है तो डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही पासवर्ड मैंने सबके लिए अटैच कर दिया हो। सेकेंड पे आते हैं, सेकेंड में लिखा है वाई शुड वी नॉट सेव पासवर्ड ऑफ आवर अकाउंट इन अ पर्टिकुलर वेबसाइट। कभी भी हमें किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे अपना पासवर्ड सेव करके नहीं रखना चाहिए, ऐसा क्यों? वी शुड नॉट सेव आवर पासवर्ड ऑफ आवर अकाउंट इन अ पर्टिकुलर वेबसाइट बिकॉज, इतना तो फर्स्ट लाइन का हमें क्वेश्चन से ही मिल जाएगा, इसके बाद इतना याद करना है या फिर समझना है आपको। बिकॉज इन फ्यूचर एनी वन हु एल्स हु यूजेस आवर कंप्यूटर माइट ऑल्सो बी एबल टू एसेस आवर अकाउंट विदाउट आवर परमिशन। तो वही चीज जो मैंने बताया कि समझ लीजिए कि अभी आपके पास आपका मोबाइल है, लेकिन इन फ्यूचर किसी और के पास अगर आपका मोबाइल चला जाता है तो वो भी क्या कर सकता है, आपका अकाउंट ओपन कर सकता है, क्योंकि उसको पासवर्ड डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो हमें कभी भी अपना सेव नहीं करके रखना चाहिए पासवर्ड किसी भी अकाउंट में, क्लियर। तो ये हो गया सेकेंड का आंसर। थर्ड वाले पे आते आते हैं, राइट एनी टू रोल्स ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर इन प्रोटेक्टिंग द चिल्ड्रंस इन वर्चुअल वर्ल्ड। तो दो रोल्स बताने जो कि पेरेंट और टीचर को बताने चाहिए बच्चों के लिए, जिसकी वजह से वो वर्चुअल वर्ल्ड से क्या करके रख पाए, बच करके रख पाए, है ना। तो पेरेंट्स शुड एडवाइज चिल्ड्रंस टू प्ले ओनली दोज ऑनलाइन गेम्स विच आर सूटेबल फॉर देयर एज। तो पेरेंट्स को बताना चाहिए बच्चों के लिए कि वो सिर्फ वही गेम खेले जो कि ऑनलाइन गेम वही खेलें जो कि उनकी एज के लिए सूटेबल हो, कुछ भी गेम्स नहीं खेलना चाहिए उन्हें। पेरेंट्स शुड एडवाइज चिल्ड्रंस नॉट टू शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू एनी अननोन पर्सन। तो अगर कोई भी अननोन पर्सन आकर के हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगे तो हमें उसको नहीं देना चाहिए, ये भी बच्चों को सिखाना, मीन्स पेरेंट्स को सिखाना चाहिए बच्चों के लिए। इसके बाद बच्चों ये हमारा जी वाला पार्ट जो कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप खुद रीड करोगे, आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी ये एक्टिविटी सेक्शन आपसे खुद देखना है, कुछ ऐसा खास है नहीं इसमें। इस तरह से बच्चों हो चुका है हमारा चैप्टर नंबर 6 भी क्या कंप्लीट। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। बाकी पसंद है ये वीडियो, कुछ भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को लाइक जरूर करना वीडियो को। बाकी प्ले लिस्ट बनी हुई है APS क्लास 7 कंप्यूटर के नेम से, तो वहां से जाकर के आप सारे चैप्टर्स एक साथ कवर अप कर सकते हैं।
बाकी 7, 8, 9 सारे चैप्टर्स आ जाएंगे बहुत जल्दी। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।